आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरीके से आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि जो यहाँ की जो J&K ड्यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एकदम से एक फैसला लिया था कि पिछले कई वर्षों से जो बुजुर्ग विधवा बहनें, विकलांग जो हमारे भाई बहन है, उनको सरकार की तरफ से एक मासिक पेंशन दी जाती है। तो पिछले कई महीनों से, कुछ महीने पहले जो जहां की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने फैसला किया कि वो सारी की सारी जो पेंशन थी वो बंद कर दी। उसके लिए उन्होंने बहुत सी जो फॉर्मेलिटीज थी वो निकाल दी कि जो भी ये फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा उसको पेंशन दी जाएगी। जैसे उसमें एक सबसे बड़ा था BPL कार्ड, PHH। दूसरा कि जो बुजुर्ग है वो अपना जो एज का जो प्रूफ लाएंगे तो यह भी डेबिट बनवाएगा। तो तब से हम देख रहे हैं कि कितने बुजुर्ग जो दर बदर हो रहे हैं, कोई DC दफ्तर के चक्कर लगा रहा है, कोई तहसीलदार के चक्कर लगा रहा है, कोई जो प्राइमरी हॉस्पिटल है वहां पे जा रहा है, किसी मेडिकल अफसर को जाके ढूंढ रहा है। तो उनसे वो जो जितनी भी जो उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज मांगी हुई है उनसे पूरी नहीं हो रही। कई घरों में जो बुजुर्ग हैं वो बीमार हैं, वो कहां पर जाएंगे? तो उसी को देखते हुए आज हम ये सारा जो हमने पिछले कई महीनों से हम जो देख रहे हैं, जो लोगों की जो मजबूरियां हैं, वो कितने परेशान हैं, वो किस तरीके से जो कि हताश हो गए हैं, सबको देखते हुए आज हम जहां पे हमें ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी। और मैं आपके जो हमारे जो मीडिया के भाई हैं, मैं उनके माध्यम से जो हमारे यहां के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे ये मैं अपील करना चाहता हूं कि जो आपके फैसले से, जो आपके एक आदेश से, सरकार के आदेश से जो जितनी भी जो पेंशन जो है वो बंद की हुई है वो फौरन बहाल की जाए। कई लोगों का बड़ा दरमदर था उसके ऊपर, कई बुजुर्ग उन पैसों से कोई दवाई लेता था, कईयों के घर का आटा आता था।